क्या कंपनी में मजदूरी पर काम कर पेट पालने वाला एक मजदूर करोड़ों के आयकर का देनदार हो सकता है? चौंक गए तो जान लीजिए कि ऐसा मामला बिहार के रोहतास से सामने आया है। आयकर विभाग ने रोहतास के करगह गांव में एक कंपनी में मजदूरी का काम करने वाले 10 से 12 हजार महीना कमाने वाले मजदूर मनोज यादव से 14 करोड़ के बकाया कर के भुगतान की मांग की गई है। मनोज के घर जब आयकर विभाग की टीम पहुंची तो मनोज और उसके परिवार के लोग के साथ साथ आसपास के लोग भी होश उड़ गए। आयकर विभाग के नोटिस के मिलने के बाद गरीब मजदूर मनोज के हाथ पांव फूल गए। उसने स्थानीय लोगों से इसकी चर्चा की लेकिन कोई भी समस्या का निष्पादन नहीं किया जा सका। मनोज ने बताया कि वह दिल्ली एवं अन्य राज्यों में जाकर मजदूरी का काम करता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। के लोग आपके घर पर आए थे क्यों? ये फ्रॉड हुआ था मेरे संग, इसलिए आए थे। क्या हुआ था? ये बैंक में थोड़ा हम लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए और वहीं से फ्रॉड सब कर लिया। क्या किया था लोग बैंक से? मतलब कि जैसे हम लोग आधार कार्ड पैन कार्ड देते हैं बैंक के द्वारा, ले जाओ आधार कार्ड बैंक दोगे तभी तो कमाओगे खाओगे, 10,000 रुपये महीना करने वाले खाता खुलवाते हैं वो, खाता खुलवा के वो सब फ्रॉड कर देते हैं मेरे सामने। क्या हुआ था उसमें? मेरे ये हुआ था कि जैसे मैं गया था कमाने, कहाँ? दिल्ली हरियाणा, मतलब तो हर एक जगहों पर मैं जाता हूँ जहाँ पैसा जहाँ मिलता है 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपया, वहीं भी जाता हूँ कमाने खाने के लिए। और ऐसा होता है कि कोई उसी में फ्रॉड कर की टीम आई थी। आप मनोज के परिजन हैं, क्या हुआ था उस समय? अरे वही पूछे कि मैंने इतना रुपया कहाँ से आया, तो हम कहने कि भाई ये को दिन कहीं गई बाहर गई ना कहीं आ कहाँ से ही पैसा इतना पा ले आके दे लो बिना सकिया सब आके। आखिर मैंने एक सबूत हो गए कि चाहिए कागजात हो गए कि चाहिए कि नहीं, मैंने हमारे पैसा लिहल पासबुक भी हो गए के चाहिए, यही पासबुक से पैसा लिया और कुछ भी नहीं दिए, खाली कहा कि इतना टीम हो आया है। मैंने